मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ थ्री। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था टेबल ऑफ टू। कल हमने दो की टेबल पढ़ी थी और आज हम तीन की पढ़ेंगे। तो आज तीन की पढ़ने से पहले हम एक बार दो की टेबल का रिवीजन करते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? दो एकम दो, दो दुने चार, दो तीन छः, दो चौके आठ, दो पंजे दस, दो छक्के बारह, दो सत्ते चौदह, दो अठे सोलह, दो नौ अठारह और दो दस बीस। तो ये है दो की टेबल। इसको इंग्लिश में बोले तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन और टू टेन जा ट्वेंटी। तो हमने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दी है। आज हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ थ्री। कल हमने टू की पढ़ी थी, आज हम थ्री की पढ़ेंगे। तो ये आपका होमवर्क भी था, आपने इसको अच्छे से याद किया होगा और अपनी कॉपी में लिखा होगा। आज हम तीन की टेबल पढ़ेंगे कि तीन की टेबल को कैसे बोला जाता है। तो ये है आपकी जो मैथ की बुक है, उसके पेज नंबर 14 पे है थ्री की टेबल। तो पहले हम इसको न्यू बोलते हैं। तीन एकम तीन, तीन दुना छ, तीन तिया नौ, तीन चौके बारह, तीन पंजे पंद्रह, तीन छक्के अठारह, तीन सत्ते इक्कीस, तीन अठे चौबीस, तीन नौ सत्ताईस और तीन ढाई तीन दस तीस। तो ये है तीन की, तीन का पहाड़ा। इंग्लिश में बोले तो टेबल ऑफ थ्री। अब हम इसको इंग्लिश में बोले तो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन और थ्री टेन जा थर्टी। एक बार और बोले तो देखो, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन और थ्री टेन जा थर्टी। तो ये ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में बोले तो तीन एकम तीन, तीन दुने छः, तीन तीन, तीन तिया नौ, तीन चौके बारह, तीन पंजो पंद्रह,
तीन छक्के 18, तीन साते 21, तीन आठे 24, तीन नौ 27 और तीन दस 30। तो ये है तीन का पहाड़ा, और इंग्लिश में बोले तो टेबल ऑफ थ्री। तो ये आपके पेज नंबर 14 पे है, जो आपको कॉपी में अच्छे से लिखना है और याद करना है। और ये आज का आपका होमवर्क भी है, तो इसको अच्छे से लिखना है और याद करना है। कल हम कुछ और पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।